तो मित्रों जय माता दी। मित्रों आज 13 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके जीवन में कौन सी खुशियों को लेकर ला रहा है तथा कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपका व्यापार कैसा रहेगा, करियर के क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव होते देखने को मिलेंगे तथा आपके लव लाइफ में आपको बताएंगे कि कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। आपके ग्रह सितारे आपके लिए आज कौन सी खुशियों को लाकर आपके जीवन में एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, आपको बताएंगे आपका व्यापार करियर तथा आपके लव लाइफ के बारे में, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि व्यावसायिक रूप से एक अच्छा समय है, आर्थिक लाभ भी शुभ रहेगा, आपके कार्य पूर्ण तो होंगे किंतु उनमें कुछ देरी हो सकती है। दैनिक क्रियाकलाप में आप अपने परिवार के सदस्यों की भागीदारी और से प्रदर्शन कर सकते हैं। नए नौकरी चाहने वाले विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। जो लोग सफलतापूर्वक नौकरी कर रहे हैं उन्हें समय पर पदोन्नति मिलने की पूरी योग है। शिक्षण से जुड़े जातकों को अच्छी प्रगति संभव है, रुचि के विषयों में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप आज शिक्षा क्षेत्र में चमकेंगे और नवीन तरीकों से समस्याओं को सुलझाने की अपनी विशेष प्रतिभा के लिए पहचान हासिल करेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में आप प्रशंसा के पात्र होंगे और अच्छा उत्थान या पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, जबकि खर्चे आपके घटेंगे। बचत आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ावा देगी, आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक और सुखद रहेगा। आपका जीवन साथी बहुत प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला होगा, आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता एवं समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने वरिष्ठों से लाभ प्राप्त करेंगे और व्यावसायिक रूप से आपकी स्थिति और स्थिर हो रही है, आपकी कमाई बढ़ेगी और आपको कई अन्य स्रोतों से लाभ होगा। दूर की यात्रा फलदायी साबित हो सकती है, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और आरामदायक रहेगा, सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे। आज आपके पास अनुकूल परिस्थितियां होंगी और आपको सभी तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आप जो हैं अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे और आपको अपनी प्रतिभा और प्रयासों के लिए उचित मान्यता प्राप्त होगी। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से उज्जवल रहेगा, आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक नया व्यवसाय शुरू करने या विवेकपूर्ण निवेश करने के लिए यह समय काफ़ी अच्छी अवधि को ला रहा है, आपका नाम और प्रसिद्ध व्यापक होगी और आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि व्यावसायिक क्षेत्र में आपको आज ख्याति प्राप्त होगी, आज परिणाम आपके पक्ष में होंगे, आप भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस कर सकते हैं और इस पर पार पाने के लिए आपको मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहेंगे लेकिन खर्चों का दबाव अधिक रहेगा, आत्मविश्वास के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, परिवार में सद्भाव स्थापित होगा, बच्चे आप पर गर्व करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि निर्यात और आयात से जुड़े लोगों को आज यात्रा करनी पड़ सकती है, व्यावसायिक संदर्भ में आप अपने आप को साबित करने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, वरिष्ठों को खुश करना थोड़ा मुश्किल रहेगा और इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव ही सफलता की कुंजी है, सुनिश्चित करें कि कोई आपका विरोध न कर पाए अन्यथा कठिन निर्णय आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है। प्रयासों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, जीवन साथी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते पारिवारिक जीवन अशांतिपूर्ण हो सकता है, भाई बहनों के साथ तर्क आपको काफ़ी उदास कर सकता है और आप असहाय महसूस कर सकते हैं। ठंड या कुछ अन्य अवरोधक बीमारियों के खिलाफ आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल अवश्य ही करनी चाहिए, आज आपके सहकर्मी समूह के मध्य आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, व्यावसायिक रूप से चीज़ें सुचारू रहेंगी,
आपको अच्छी प्रगति प्राप्त होगी तथा आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के नए रास्ते मिलेंगे। भाई बहनों और बड़ों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राओं की भ्रमण योजना बना सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहे इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।